हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो एंड कैसे काय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वन सच कस्टमर जो हमारे पास आए हैं राइट फ्रॉम बैंगलोर। आप देख सकते हो KA03 बैंगलोर की गाड़ी है दोस्तों, ये होंडा सिटी है। एंड इसके अंदर हम कोई लंबे चौड़े एक्सेसरीज नहीं डालने वाले, हम एक ऐसे एक्सेसरीज डालेंगे विच द कस्टमर वॉज वेरी कीन एंड पर्टिकुलर अबाउट एंड विच आई एम वेरी श्योर कि अगर आप एक होंडा सिटी ओनर हो तो यू ऑल्सो वुड 100% वॉन्ट दीज एक्सेसरीज टू बी इंस्टॉल्ड इन योर कार। टू गिव यू अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ द एक्सेसरीज जो हम इसमें डालने वाले हैं दोस्तों, इस गाड़ी में होने वाला है द फ्लोरिंग एंड डोर्स के अंदर फुल डबल डैम्पिंग, हम इसमें करने वाले द एम्बियंस द रेजर मैट्रिक्स एम्बियंस लाइट, द नैनो सिरामिक सन फिल्म डलने वाली है इस गाड़ी के अंदर एंड दोस्तों अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आपको इस गाड़ी में दिखाई देगा। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वन बाई वन वाई दिस एक्सेसरी एंड हाउ इमीडिएट रिजल्ट वुड यू गेट थ्रू दिस प्रोडक्ट, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। दोस्तों दिस कस्टमर हैड अ कपल ऑफ एक्सेसरीज इन हिज माइंड ऑलरेडी, लेकिन ही डिसाइडेड अबाउट द डैम्पिंग जब वो रास्ते में थे फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद, क्योंकि पूरे रास्ते में जिस तरीके से उनको एक टायर नॉइज आ रही थी, जिस तरीके से गाड़ी रेस हुए जब जो एक आवाज़ आ रही थी गाड़ी में द आउटसाइड नॉइज जो कैबिन में इरिटेट कर रही थी, दैट इज़ व्हेन ही डिसाइडेड कि भाई हैदराबाद जाने के बाद इसमें एक डैम्पिंग तो कराना ही है। लिसनिंग टू व्हाट द कस्टमर हैड इन हिज माइंड, हम इस गाड़ी के अंदर जो दे रहे हैं सिर्फ डोर्स में डबल डैम्पिंग ही नहीं दोस्तों, हम इसमें करने वाले हैं डोर्स के डबल डैम्पिंग के साथ साथ पूरे फ्लोर एरिया में भी फुल डैम्पिंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर कारपेट है एंड ऑब्वियसली बिलो दिस कारपेट ओवर हियर यू गेट दिस नॉर्मल मेटल बॉडी ओवर हियर, हम अभी पूरा ये कारपेट भी हटा देंगे एंड उसकी जगह पे करने वाले डोर डैम्पिंग एंड द फ्लोर डैम्पिंग। तो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको ये डैम्पिंग होने के बाद रिजल्ट बताऊंगा किस तरीके से दिखाई दे रहा है, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों इन जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ आवर्स हमने इस गाड़ी का जो डैम्पिंग का काम है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है एंड ट्रस्ट मी अभी जब मैं यहाँ पर दरवाज़ा खोल बंद भी कर रहा हूँ, जिस तरीके से एक छोटी सी स्टेबिलिटी गाड़ी के डोर्स में एडअप हो रही है, इट इज़ नो डाउट मेकिंग मी फील दैट प्रीमियम एक लग्जरीनेस इन द डोर्स ओवर हियर। ऑल्सो अभी नॉक टेस्ट में भी आप देख सकते हो कितना हार्ड हमारे ये डोर्स अभी साउंड कर रहे हैं। दिस इज़ अ प्रॉपर डैम्प्ड डोर ओवर हियर, आप देख सकते हो स्पीकर के राइट राउंड जो पीछे का जो एरिया है वहाँ पर हमने एक शीट डैम्पिंग की डाली है एंड स्पीकर के राइट राउंड एरिया में भी एक शीट डैम्पिंग से कवर की है। तो यहाँ पर पूरी डोर्स डबल डैम्पिंग में कवर हो चुके हैं दोस्तों एंड द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। बट व्हाट मेक्स दिस इवन मोर ग्रेट इज़ द फ्लोर डैम्पिंग जो हमने इसमें किया है दोस्तों। अगर आप देखोगे इसका जितना फ्लोर एरिया है वो एरिया भी पूरी तरीके से डैम्पिंग में कवर कर दिया गया है। आप देख सकते हो द फिनिशिंग द प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरीके से अप्लाई हुई है, हर एक एज टू एज एमएम टू एमएम कॉर्नर कवर हो चुका है हमारे डैम्पिंग में, कहीं पर भी एक सिंगल पर्सन भी लेफ्ट आउट स्पेस है ही नहीं। तो ओवरऑल आफ्टर दिस इज़ टोटली पैक्ड अप, हम एक बार वापस एक ड्राइव पे जाएंगे एंड देखेंगे वेदर इट इज़ एक्चुअली मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ डिफरेंस या सिर्फ एक नेम से एक प्रोडक्ट है। दोस्तों इस गाड़ी का जो इंस्टॉलेशन है पूरी तरीके से हो चुका है कम्प्लीट, थिंग्स आर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशनिंग एंड मैं सोचा कि बिफोर आई एक्चुअली पास ऑन माई जजमेंट कि किस तरीके से गाड़ी में आउटकम आया है, वाई नॉट आई टेक अ स्मॉल ड्राइव। लास्ट 20 मिनट से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, वी हैव ड्रिवन मोर देन अबाउट 6 किलोमीटर्स नाउ। व्हाट आई हैड ऑब्जर्व्ड आफ्टर दिस टोटल यू नो इंटीरियर्स अपग्रेडेशन दिस डैम्पिंग विच इज़ डन इन द कार, गाड़ी में एक तो एक स्टेबिलिटी ऐड हो चुकी है। मतलब आज जब मैं गाड़ी अभी ड्राइव कर रहा हूँ स्पेशली एट अ स्पीड ऑफ 70-80, मैं सेल्फ ड्राइव अकेले भी कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के अंदर देर इज़ सम वेट विच इज़ बीन एडेड, बिकॉज ऑफ विच एक गाड़ी के अंदर जो एरोडाइनमिक रहता है स्पेस इज ऑलवेज बीन फेल्ट। इससे पहले बिफोर डैम्पिंग ऑल्सो मैंने गाड़ी में सेम टेस्ट ड्राइव किया था एंड द डिफरेंस विच आई फेल्ट इज कंसिडरेबली गुड। वन मोर ऑब्जर्वेशन विच आई मेड एज फ्रेंड्स, जो मतलब गाड़ी के अंदर पहले जो नॉइज़ आ रही थी, लेट इट बी द टायर नॉइज और द इंजन नॉइज, अभी आफ्टर दिस डैम्पिंग द रिजल्ट इज ऑलमोस्ट 30-40% लेसर। मतलब वही सेम गाड़ी वही सेम रोड्स पे हमने अभी वही स्पीड पे ड्राइव किया है एंड द डिफरेंस कुड बी फेल्ट। मतलब जिस तरीके से एक कैबिन स्पेस काम हुआ है इट इज़ एक्चुअली गुड। राइट नाउ गाड़ी ऑन है
लेकिन आई कैन नॉट फील इट ऑन है, आई स्वेयर पता भी नहीं चल रहा है गाड़ी ऑन है, आई कैन नॉट इवन बिलीव गाड़ी अभी ऑन है जब तक मैं ऐसा रेस करके चेक नहीं करूँगा। तो दोस्तों दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर डूइंग, दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्कमैनशिप वी आर डूइंग, एंड आप खुद देख सकते हो हर चीज़ उसके ओरिजिनल पोजिशन पर बैक टू नॉर्मल है, दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड द बेस्ट वर्कमैनशिप। प्रोडक्ट्स हर जगह मिल जाएंगे लेकिन वॉट मेक्स अस इवन स्पेशल इज़ द वर्क वॉट वी डू। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, कस्टमर ने इसके गाड़ी के स्पीकर्स को उसी तरीके से रखते हुए खाली एक अंडर सीट वूफर डलाया। ही वॉज सपोजिडली हैप्पी विद द काइंड ऑफ ऑडियो जो गाड़ी के अंदर आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग इट, होंडा सिटी के जो स्पीकर्स है आज जितने कंपनीज के बाई डिफॉल्ट स्टॉक स्पीकर आते हैं उनमें से सबसे डिग्रेडेड इसी कंपनी के स्पीकर्स है। आई डोंट नो हाउ पीपल कैन ड्राइव विद होंडा सिटी स्पीकर्स, बट दे आर एक्चुअली रियली वेरी बैड नाउ। बट दैट वेन वी हैव रिटेन दी स्पीकर्स एंड एडेड वन अंडर सीट सबवूफर, जो उसमें एक बेस के जो नोट्स है जो मिसिंग थे, आप यकीन मानिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसके अंदर वो कैप्चर हुए हैं। लेट मी जस्ट प्ले समथिंग टू यू एंड आप उसमें एनालाइज करिए। The vocals of the speakers are really very underrated. बहुत खराब है। द बेस नो डाउट ये अंडर सीट वूफर से जो आ रहा है, इट इज़ कम्प्लीटिंग द बेस नोट्स ऑफ योर स्पीकर्स, बट आई वुड 100% रिकमेंड एवरी कस्टमर ऑफ होंडा सिटी टू ऑलवेज अपग्रेड द स्टॉक स्पीकर्स, क्योंकि डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल रहेगा दोस्तों। डोंट गो फॉर वेरी हाई एंड सेटअप्स ऑल द डेज, बट एक बेसिक सेटअप प्लान करना ही चाहिए, स्पेशली टू द डैम्पिंग विच इज़ गिवन, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द कस्टमर हैज़ ऑल्सो इंस्टॉल द नैनो सिरामिक फिल्म। दोस्तों आप देख सकते हो राइट नाउ शाम का टाइम है, दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू जज आउट आर नैनो सिरामिक फिल्म, स्पेशली वेन इट इज रेनिंग आउटसाइड। आप देख सकते हो दोस्तों हमने जो फिल्म डाला है इट इज 70% सी थ्रू, मतलब द विजिबिलिटी में एक सिंगल परसेंट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेट इट बी द विंडशील्ड जिसपे ये फिल्म इंस्टॉल हुआ है या लेट इट बी योर साइड ग्लासेस, हर जगह विजिबिलिटी इज वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड नीट। बट इतना ट्रांसपेरेंट रहने के बावजूद, इतना क्लियर रहने के बावजूद, हमारा जो ये फिल्म है इट गिव्स अस अ रिटर्न गारंटी ऑफ 99% यूवी रिजेक्शन, 94% आईआर रिजेक्शन, 55% हिट रिजेक्शन, एंड दोस्तों सामने से जो हेडलाइट का भी ग्लेयर आएगा 40% ग्लेयर कट ऑफ हो जाएगा। सो द एसी एफिशिएंसी, द कूलिंग एंड द विजिबिलिटी तीनों के हद तक दिस सन फिल्म इज टॉप नॉच। इट इज़ अ मस्ट हैव एक्सेसरी फॉर अगेन ऑल दी कार्स। दोस्तों अगेन ये जो टर्म है नैनो सिरामिक बहुत ज़्यादा आज मिसयूज होता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जाता है कस्टमर्स को उससे, बट अगेन देर इज़ नो ऑथेंटिसिटी टू इट, ट्रस्ट करके ही दलाना होता है। आई डोंट नो हाउ पीपल मैनिकुलेट, बट वी मेक श्योर दैट वी गेट यू द राइट एंड क्लास प्रोडक्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हमने इस गाड़ी के अंदर जो अपग्रेड किया है इज़ द रेजर मैट्रिक्स एम्बियंस लाइट। ये एक हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है बाय द कंपनी रेजर इटसेल्फ, जो है पूरा मोबाइल ऐप कंट्रोल्ड। दोस्तों आप देख सकते हो राइट नाउ द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द डोर्स एंड ऑन द डैशबोर्ड, बट जब ये ऑफ है आपको पता भी नहीं चलेगा कि इधर कुछ इंस्टॉल्ड है। हम यहाँ पर एज इट इज बस एक सिंगल क्लिक करने से जो एक गाड़ी के अंदर एक लाइट ऑन हो जाएगी, जिस तरीके से उसके अंदर एक ब्राइटनेस आएगी, जिस तरीके से उसके अंदर एक लुक आएगा, ओ भाई साहब, दिस इज बाई फार द बेस्ट प्रोडक्ट दैट हैज एवर कम आउट। इसकी ब्राइटनेस तो देखो भाई, कंटिन्यूटी देखो लाइट की, कहीं पर भी ब्राइटनेस खराब नहीं हो रही है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक द कंटिन्यूटी इज द सेम थ्रू आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, इसके अंदर है हमारा रेजर मैट्रिक्स सीरीज, मतलब इसके अंदर ये जो कलर मोड्स है हम यहाँ पर मोबाइल ऐप के थ्रू पूरे चेंजेस कर सकते हैं।
इसके अलावा कभी अगर आपको लगता है, कस्टमर को लगता है कि भाई दिस इज़ बिकमिंग टू ब्राइट फॉर मी टू ड्राइव एट नाइट टाइम, हम यहाँ पर एज इट इज़ उसी कलर के अंदर ब्राइटनेस को भी कम कर सकते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से ब्राइटनेस कम हो चुका है एंड हमें कोई एक सिंगल पर्सन दिक्कत नहीं रहेगी। मिड ब्राइटनेस या फुल ब्राइटनेस आपकी मर्जी। बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दोस्तों, वॉट मेक्स आर सेटअप इवन मोर कूल इज द फ्लो मोड्स। आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग फ्लो मोड्स हैं। हम जब एक फ्लो मोड सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर एक मैट्रिक्स स्टाइल लाइट विद डिफरेंट फ्लो मोड्स कंटिन्यूस रन होता रहेगी। देर आर अ लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ शेड्स इन दिस फ्लो मोड्स फ्रेंड्स। नाउ दिस बीइंग वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, क्लास एलिगेंट एंड रिच। जस्ट लुक एट दैट वाइब्रेंट शेड्स ऑफ ब्लू जो इसमें रन हो रहा है। इसके अलावा भी कई ज़्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लो मोड्स है, जैसा दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट क्लासीएस्ट फ्लो मोड्स। सिंगल कलर वाइट जाएगा, सिंगल कलर वाइट वापस एग्जिट करेगा, द सेम थिंग विल कंटिन्यूसली कीप रनिंग ऑल द टाइम। दोस्तों ये जो आप फ्लो मोड्स देख रहे हो इस तरीके से टोटल इसमें 23 फ्लो मोड्स है एंड ऑल ऑफ देम एक से बढ़कर एक है दोस्तों।